नमस्कार एनसीईआरटी गुरु जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 साइंस चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। व्हाट फन इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू। क्या अच्छा हो, कितना मजा आएगा अगर आपको कोई जादुई ताकत मिल जाए जिससे आप अपने आसपास की किसी भी चीज को चेंज कर सकें। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप चेंज करना चाहेंगे। तो नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिन्हें आप चेंज करना चाहो। जैसे आप अपने नाक को बड़ा करना चाह सकते हो। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, ऑफ कोर्स हमारे पास जादुई शक्तियां नहीं है, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मेनी थिंग्स। लेकिन फिर भी हम अपने आसपास की कुछ चीजों को तो चेंज कर ही सकते हैं, इनफैक्ट बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व्ड। तो क्या आप एक ऐसी लिस्ट बना सकते हो जिसमें आप उन चीजों के नाम रखो जो आप अपने आसपास चेंज कर सकते हो बिना किसी जादुई ताकत के। मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। हमारे आसपास अपने आप बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। खेतों में जो फसल लगाए जाते हैं वो समय के साथ चेंज कर जाते हैं। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंज कलर एंड ड्राई आउट। कुछ समय पेड़ से पत्ते गिरते हैं, रंग बदलते हैं और सूख जाते हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। फूल खिलते हैं और मुरझाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। तो क्या आपके शरीर में भी कुछ चेंज हो रहा है। योर नेल्स ग्रो, हमारे नाखून बढ़ते हैं। योर हेयर ग्रोज, आपके बाल बढ़ते हैं। यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। आप लंबे होते हो और आपका वजन भी बढ़ता है। Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? तो क्या आपने इससे पहले कभी realize किया है कि आपके आसपास बहुत सारे changes हो रहे हैं? Can some of the changes be grouped together? तो क्या इनमें से कुछ changes को आप एक साथ इकट्ठा कर सकते हो? How can we group various changes? अब हम इन अलग अलग changes को किस तरह group करेंगे? It might help if we find similarities between them. अब changes को group करने के लिए अगर हम उनके बीच में क्या समानता है, क्या similarity है, इसको अगर देखें तो काफी आसानी होगी। 6.1 Can all changes always be reversed? तो क्या सारे जो चेंज हो रहे हैं क्या उन्हें वापस बदला जा सकता है। एक्टिविटी 1 टेक अ बलून एंड ब्लो इट। पहली एक्टिविटी है, इसमें आप एक बलून लें, उसे फुलाएं। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, और ध्यान रखें कि वो फूटे नहीं। द शेप एंड साइज ऑफ बलून हैव चेंज्ड। अब जब बलून फूल गया है तो उसके शेप और साइज बदल गए हैं। Now let the air escape from the balloon. अब जब बलून फूल गया है तो उसके अंदर जो हवा है उसको निकल जाने दें। अब बलून changes its size and shape on blowing air into it. अब जब आप बलून को फुलाएंगे तो उसके शेप और साइज में बदलाव आएगा, और जब आप इसमें से भरे हवा को बाहर निकल जाने देंगे तो इसका शेप वापस से पुराने शेप में आ जाएगा। एक्टिविटी 2 टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। तो आप एक कागज का टुकड़ा लें और इस तरह एक हवाई जहाज बनाएं। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। आपने पेपर के इस टुकड़े को एक खिलौने वाली हवाई जहाज में बदल दिया है। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आप इस हवाई जहाज को उड़ा के काफी आनंद ले सकते हैं। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। अब जब आप हवाई जहाज उड़ा के थक जाएं, तो इस पेपर को वापस से पुराने फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इसे खोल दें एरोप्लेन को। एक्टिविटी 3 टेक सम डॉ एंड मेक अ बॉल। आटे का डॉ लें और इससे एक बॉल बनाएं छोटा सा। Try to roll out a roti और उस बॉल से रोटी बनाने की कोशिश करें। Maybe you are not happy with its shape and wish to change it back into the ball of dough again। और आप जो रोटी बनाएंगे हो सकता है आप उससे खुश ना हो, उसके शेप से खुश ना हो, तो वापस से आप उसको आटे के गोले के रूप में कन्वर्ट करना चाहेंगे।
Now think about three changes you observe in activity 1, 2 and 3. What do they have in common? अब activity 1, 2 और 3 इनमें जो changes हुए हैं उनके बारे में सोचें और ये भी सोचें कि उनमें क्या common था. Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? तो क्या जो balloon हमने activity 1 में फुलाया था क्या उसे वापस से पुराने shape और size में लाना संभव था? तो हाँ बिल्कुल ही संभव था. Size of paper same as before and after making an aeroplane. तो क्या aeroplane बनाने के बाद आपने उस aeroplane वाले paper को जब खोला तो क्या paper का size पुराने paper के size के बराबर ही था? तो हाँ बिल्कुल ही बराबर था. Was it possible to get back ball of dough again? तो जब आपने आटे के ball से रोटी बनाई और आप उसके shape से खुश नहीं हुए तो वापस से आप आटे का गोला बना सकते थे, तो ये भी possible था. What do you conclude? तो इससे आप क्या समझते हो? In each of the three activities, it is possible to get back the material with which we started our activity. तो activity 1, 2 और 3 में उस material को वापस पाना संभव था जिससे हमने शुरुआत करी थी. If the answer is yes, it means that the changes occurring in these materials can be reversed. तो अगर आप वापस से पुराने वाले मटेरियल को पा लेते हो इसका ये मतलब है कि जो चेंजेस हमने मटेरियल में किए उसे रिवर्स किया जा सकता है. नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज विथ अ डिफरेंस. अब हम उन्हीं सारी एक्टिविटीज को फिर से करेंगे लेकिन एक बदलाव के साथ. एक्टिविटी 4, टेक द सेम बलून विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विथ स्ट्रिंग टाइटली. अब उसी बलून को दोबारा से फुलाएं और उसके उस मुंह में धागा बांध दे जहां से आप हवा भरते हो. प्रिक इट विथ अ पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, ओप्स इट बर्स्ट. और फुले हुए बलून को आप अपने एक पॉइंटेड पेंसिल से फोड़ दें. टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन. वही पेपर लें जिससे आपने एरोप्लेन बनाया था और उस पे एक एरोप्लेन की फोटो बनाएं इस तरह से और उसे कैंची से काट दें. एक्टिविटी 6, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन तावा. और इस बार आप जो रोटी बनाएं उसे तवे पर पका लें. सपोज यू आर आस्क्ड द सेम थ्री क्वेश्चंस व्हिच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट योर आंसर्स बी नाउ. तो अब इन एक्टिविटीज को करने के बाद जो सवाल आपसे एक्टिविटी 1, 2 और 3 में पूछे गए थे वही अगर फिर से पूछे जाएं तो क्या होंगे आपके आंसर्स? तो क्या बलून के साइज और शेप को वापस पाना संभव रहेगा? तो अब चूंकि बलून फूलकर फूट चुका है तो उसके पुराने फॉर्म को पाना संभव नहीं रहेगा. Was the size of paper same as before and after making the aeroplane? अब इस बार चूंकि हमने एरोप्लेन के शेप को फिगर बना के उसे काट लिया है तो वापस से पेपर के पुराने फॉर्म को पाना संभव नहीं है. और रोटी बनाकर हमने पका ली है तो वापस से हम आटे का बॉल नहीं बना सकते. We see that changes which have occurred in activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. अब यहाँ हम पा रहे हैं कि activity 4, 5 और 6 में जो changes हुए हैं उन्हें वापस से पुराने फॉर्म में लाना संभव नहीं है. You can use a pencil and an eraser with repeated use. Their shape and size changes. Can we reverse this change? तो आप पेंसिल और इरेजर यूज करते होगे तो उनका शेप बदलता है. पेंसिल छोटी होती है और इरेजर हमारा घिसता है. तो क्या इसके पुराने फॉर्म नए पेंसिल और नए इरेजर को बनाना संभव है वापस से? तो ये संभव नहीं है. यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील. तो आपने एक कुम्हार को चाक पे काम करते हुए देखा होगा. ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट. वो मिट्टी के एक लोथड़े से घड़ा बनाता है. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड. तो क्या इस चेंज को वापस हम रिवर्स कर सकते हैं, बदल सकते हैं? ही कैन बेक दिस पॉट इन एन ओवन. नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड. तो जब तक घड़ा पका नहीं था तो उसे वापस से मिट्टी के फॉर्म में कन्वर्ट करना तो संभव था लेकिन जब घड़ा बेक कर गया, पक गया तो ये संभव नहीं रहा. सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? तो टेबल 6.1 में कुछ चेंजेस दिए गए हैं तो इनमें से कौन से वो चेंजेस हैं जिन्हें आप रिवर्स कर सकते हो? We find that
वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड। तो हमें यहाँ एक तरीका मिला कि हम चेंजेस को इस प्रॉपर्टी पे ग्रुप कर सकते हैं कि वे चेंजेस रिवर्स किए जाने वाले हैं या फिर रिवर्स नहीं किए जा सकते। टेबल 6.1 में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि रॉ एग टू बॉइल्ड एग। अब एक अंडा जो पका हुआ नहीं था उसे बॉइल कर दिया गया है, तो क्या बॉइल्ड एग को आप पुराने वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? तो आप नहीं कर सकते। बैटर टू इडली, अब इडली बन गई है तो क्या आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो? सिमिलरली आपको अपने आंसर्स यहाँ इस टेबल में लिखने हैं। 6.2, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। तो क्या चेंज लाने का कोई और भी तरीका हो सकता है? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉयल। तो जमीन खोदने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए किन हथियार का इस्तेमाल होता है वो हमने देखा है। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल। तो क्या आपने ध्यान दिया है कि किस तरह आयरन के ब्लेड को फिक्स किया जाता है लकड़ी के हैंडल के साथ? द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। जो आयरन ब्लेड है उसमें एक गोला छेद होता है जिसमें लकड़ी के हैंडल को फिक्स किया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुड हैंडल। आमतौर पे जो आयरन ब्लेड में छेद होता है वो लकड़ी के हैंडल के साइज से छोटा होता है। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज एक्सपैंड्स। नाउ द हैंडल इजली फिट्स इनटू द रिंग। और इस छोटे छेद को गर्म किया जाता है तो वो थोड़ा फैल जाता है जिसमें हम अपना हैंडल रख देते हैं, और जब वो ठंडा होता है तो वापिस से छोटा होता है। इससे हमारा हैंडल परफेक्टली जुड़ जाता है हमारे आयरन ब्लेड के साथ। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑनटू द हैंडल। तो एक्सपैंड का मतलब है बड़ा होना और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है छोटा होना। तो गर्म करने से आयरन ब्लेड का रिंग बड़ा हुआ, उसमें हमने अपना हैंडल डाल दिया, और वापस से जब वो ठंडा हुआ तो छोटा हो गया। इससे आयरन ब्लेड और जो वुडन हैंडल था वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, फिक्स हो गए, अटैच हो गए। तो ये सारे टूल्स है जो मिट्टी को खोदने के काम आते हैं। सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज टू फिक्स मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील of a cart as shown in figure 6.7। तो इस तरह का एक मेटल रिम इस चक्के पे फिट किया जाता है, इसमें भी हम हीटिंग का सहारा लेते हैं जिससे ये थोड़ा बड़ा हो जाए और फिर ठंडा होकर छोटा होकर इसमें अटैच कर जाए अच्छे से। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपैंड्स एंड फिट्स ऑन टू द व्हील। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट्स फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील। तो इसे गर्म करने से ये बड़ा होता है जिससे ये चक्के में अच्छे से फिट कर जाता है, फिर हम ठंडा पानी डाल देते हैं जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है और अच्छे से फिक्स हो जाता है इस चक्के पे। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time। जब हम एक पतीले में पानी गर्म करते हैं तो वो कुछ देर बाद उबलने लगता है। If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease। और अगर हम पानी को और भी ज्यादा उबालें तो पतीले में रखा गया पानी कम होने लगता है। The water changes into its vapor। तो ज्यादा गर्म करने से पानी भाप बन के उड़ने लगता है। एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। तो चैप्टर 5 के एक्टिविटी 7 में हमने देखा है कि जब पानी के भाप को हम ठंडा करते हैं तो वापस से वो लिक्विड वाटर के फॉर्म में आ जाता है। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। हम सभी ने आइस के पिघलने को, बर्फ के पिघलने को देखा है। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड। तो बर्फ तब पिघलती है जब उसे गर्म किया जाता है। व्हाट डज इट चेंज इनटू। तो अब जब बर्फ पिघलती है तो किस फॉर्म में आती है? वो लिक्विड वाटर के फॉर्म में आती है। इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस। तो बर्फ पिघल के जो वाटर बना, क्या उसे वापस से बर्फ बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल ही बनाया जा सकता है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। तो हम यहाँ कुछ और चेंजेस देखेंगे। एक्टिविटी 7 टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ स्केल। एक छोटी मोमबत्ती लें और उसे स्केल से नाप लें। नाउ फिक्स इट एट अ सुइटेबल प्लेस एंड लाइट इट। उसे एक सही जगह रखें और जला दें। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ। अब जलते हुए कैंडल को थोड़ी देर जलने दें और फिर उसे बुझा दें और उसकी लंबाई को दोबारा नापें। कैन द चेंज इन लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड। तो अब जो कैंडल की लंबाई में चेंज आया है, क्या उसे बदला जा सकता है?
तो नहीं बदला जा सकता। इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? अगर हम एक पैन में कुछ मोम ले लें और उसे गर्म करें तो क्या होगा? मोम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। और पूछा जा रहा है कि क्या इस चेंज को दोबारा रिवर्स किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है। मोम को जब हम छोड़ देंगे तो वापस वो अपने वैक्स के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन कैंडल चूंकि हमारी जल गई है तो इसे वापस लाना आसान नहीं है। रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक। तो आपने यहाँ जो एक्टिविटी 7 करी, इसे आप एक अगरबत्ती के साथ करें। वेट टिल इट बर्न्स कम्प्लीटली, और इस बार आप इंतजार करें जब तक अगरबत्ती पूरी न जल जाए। व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक? अब इंसेंस स्टिक जो अगरबत्ती है वो पूरी जल जाएगी और आप बचेगा केवल राख। द इंसेंस स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, इस बार जब अगरबत्ती जली तो उसने राख बनाया। देयर आर एश एंड सम गैसेस, तो कुछ गैस प्रोड्यूस हुआ, धुआं जो सुगंधित धुआं अगरबत्ती से प्रोड्यूस होता है वो हुआ और हमें राख मिला। वी कैनॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल, हम इन गैसेस को देख तो नहीं सकते लेकिन उन्हें सूंघ सकते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, तो अगरबत्ती जब जल गई तो क्या इस राख से हमें नई अगरबत्ती मिल सकती है क्या? तो नहीं मिल सकती। What about the change which occurred in the matchstick you use for lighting the candle or incense stick? तो जिस माचिस का आपने इस्तेमाल किया, matchstick का इस्तेमाल किया और माचिस की तीली जिससे आपने मोमबत्ती जलाई, क्या उसे पुराने फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो नहीं, क्योंकि वो अब जल चुकी है। So far we have discussed the changes occurring in the given object for its material. तो अब तक हमने देखा किसी भी ऑब्जेक्ट के मटेरियल में किस तरह के चेंज हो रहे हैं। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर? अब क्या चेंजेस होते हैं जब दो सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है? इन चैप्टर 4 वी डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन वाटर, चैप्टर 4 में हमने पानी में नमक मिलाया था। डू यू थिंक अ चेंज अगर इन सॉल्ट और इन वाटर, तो क्या आप सोचते हैं कि पानी और नमक में कोई चेंज हुआ होगा? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, तो क्या इस चेंज को, पानी में नमक के मिलाने से जो चेंज हुआ होगा उस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है, पलटा जा सकता है? वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्नड हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, हमने चैप्टर 5 में ही सीखा है कि नमक और पानी के सॉल्यूशन से किस तरह नमक और पानी को अलग करना है। तो हाँ, इस नमक और पानी के मिलने से जो कुछ भी चेंज हुआ होगा उसे रिवर्स किया जा सकता है। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड? तो यस, बिल्कुल ही रिवर्स किया जा सकता है। पहली आस्क्स इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, तो यहाँ पहली पूछती है कि क्या आपने कभी दही का जमना देखा है? अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, तो दही जमाने के लिए हम गर्म दूध में थोड़ी दही मिलाते हैं। द मिल्क इज स्टीर्ड एंड सेट असाइड फॉर फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस, तो मिलाए गए दही वाले दूध को एक गर्म जगह पे हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। इन अ फ्यू आर द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, और कुछ घंटे बाद दूध दही में बदल जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, तो ये दूध का जो दही बनना है क्या इससे वापस हम पुराना दूध पा सकते हैं? तो नहीं पा सकते, एक बार जब दही बन गई तो उससे दूध नहीं बनाया जा सकता, ये एक परमानेंट चेंज है। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस, तो हमने यहाँ कुछ तरीके सीखे जिससे हम किसी सब्सटेंस में चेंज ला सकते हैं उसमें दूसरा सब्सटेंस मिला के या फिर उसे गर्म करके। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड वाइल सम अदर्स कैन नॉट, हमने ये भी देखा कि कुछ चेंजेस को हम बदल सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, पलट सकते हैं और कुछ चेंजेस को हम नहीं बदल पाएंगे। देयर मस्ट बी मेनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस, तो ऐसे और भी बहुत सारे तरीके होंगे जिससे आप अपने आसपास की चीजों को बदल सको। इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड, तो ये संभव है कि इनमें से कुछ चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड, तो अब इन चेंजेस को हम ग्रुप में बांट सकते हैं इस आधार पे कि इन्हें रिवर्स किया जा सकता है या फिर रिवर्स नहीं किया जा सकता। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द चेंजेस इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वेज कैन बी ग्रुप्ड, तो आप हायर क्लासेस में आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये चेंजेस और किन तरीकों से किए जा सकते हैं और इन्हें किस तरह ग्रुप किया जाएगा। तो
ये खत्म होता है आपका चैप्टर 6। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे चैप्टर 7 की वीडियो में। तब तक के लिए बाय।